हिसाब से इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से सूरज की हद के मुताबिक चंद बातें आप हजार की शुक्रगुजार करूँगा। आप हजार जरूर बजरूर इस पूरी वीडियो को समाज करना है और इसको अपने दोस्त अहबाब तक इसको जरूर बजरूर शेयर करें। सबसे पहले बात पढ़ना मकरूह है उसके अलावा ये नमाज पढ़ सकते हैं।
वहां से खुसूफ में तहते जहरी ना करें, यानी आवाज से जलन ना करें। आहिस्ता इस तरीके से सुबह और असर की नमाज पढ़ी जाती है, उसी तरह उसी तरीके से नमाज अदा करें। नमाज के बाद इमाम को चाहिए दुआ में मशगूल हो जाए, दुआ के लिए मिंबर पर ना चले। बेहतर यह है कि आसा या कमान का सहारा देकर खड़े हो और लोगों के तरफ मुंह करके दुआ मांगे और मुख्तदी आमीन कहे। दुआ में इस वक्त तक बराबर मशगूल रहे जब तक कि बिलाल मौकूफ और आफ्ताब साफ न हो जाए। नमाज में तबील दुआ में तस्वीर करना या दुआ तबील और नमाज में तस्वीर दोनों चाहे से, लेकिन तस्वीर करें तो दूसरे में तबील, यानी अगर दुआ तबील करें तो नमाज मुख्तसर करें, नमाज मुख्तसर करें दुआ तबील करें। औकात मकरूहा की नमाज में वुजू ना पड़े, अगर औकात मकरूहा यानी जो मकरूह वक्त है अगर उसके अंदर खयामत